Kenapa tak tidur lagi, ha? Kenapa tak tidur lagi, ha? Kono tu. Kono. Kono. अरे भाई साहब कुछ कर, हमारे को दीपू से मिलना है। दीपू को मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को भी नहीं मिल रहा सुबह। अरे यार उसको तलाश करो, कहाँ पर मिलेगा? वही तो ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता होता। चलो ऐसा करा, मैं भी तलाश करता हूँ, आप भी तलाश करो। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को भी पता। चारों गए कहाँ पे? साला सुबह से ढूंढ रहा हूँ, एक भी नहीं मिला उनमें से। दीपक और ढिल्लू और अंकित गए कहाँ पे? चलो फोन लगा के देखता हूँ, बात बन जाए तो। अंकित का भी नहीं मिल रहा है। यार इनका तो फोन ही चौंक आ रहा है, ये चारों कहीं। यार भाई मुझे वही सपना बार बार आ रहा है। कौन सा? वो है ना राजस्थान प्लॉट वाला, वो लाल कपड़े के नीचे मुझे गोल्ड मिलता है ना। ओ वो वाला क्या? हाँ। अरे यार तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ एक बार चल के देखे वहाँ ट्रिप पे। अरे नहीं नहीं छोड़ उसको, चला अपना काम कर ले, शाम को मिलते हैं। तो मैं जाता हूँ, मेरे को काम है अभी। कहीं वहीं पे तो नहीं गए? हाँ गुलजार बोल। अरे दीपक घर पे है क्या? वो तो नहीं है। कहाँ पे गया? वो तो ट्रिप पे गए हैं। ट्रिप पे? ट्रिप पे कहाँ पे? वो तो राजस्थान में। राजस्थान में? क्या बात कर रहा है यार। अरे जोनी, अरे यार तूने दीपक और ढिल्लू और अंकित को देखा क्या? वो वहाँ पे राजस्थान में ट्रिप पे गए हैं। यार दिमाग खराब हो गया मेरा। वो क्या, ये तो वही जगह है ना जो ढिल्लू को बार बार सपने आते थे? अरे वही तो यार, वहाँ पे चले या नहीं? वह जगह भूतिया है। तुम कौन हो भाई? वो जगह भूतिया है। अगर तुम अपने दोस्तों को वापस लाना चाहते हो तो मैं तांत्रिक को जानता हूँ, तुम उसके पास जाओ। कौन है, कहाँ पे मिलेगा? बच्चे कैसे आना होगा? बाबा जी मेरे चार दोस्त राजस्थान के।
फिर चार दोस्त राजस्थान के भयंकर जंगल में गए थे। उनमें से तुम्हारे दो दोस्त मारे गए हैं, उनमें से एक की आत्मा भटक रही है। अब उस आत्मा को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, क्योंकि वही है जो अपने तीनों दोस्तों को सही सलामत यहाँ ला सकता है। आओ मेरे साथ। बाबा गुलजार में तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। रुको, पहले मेरी बात सुनो। तुम और तुम्हारे दोस्त एक मायावी चक्कर में फंस चुके हो। मतलब बाबा कैसे? मतलब यह है कि तुम्हें उन सभी दोस्तों को बचाना होगा। मैं कैसे होगा भाई? हम इतने बड़े जंगल में फंस गए, हम कैसे निकलेंगे? और भूख भी लग रही है भाई। तो फिक्र मत करो भाई, तुम्हें वो खजाने वाली मटकी खोजनी होगी। फिर बाबा? उस मटकी में जो बबूति है वो तुम्हारे सब पर और दीपक के सब पर लगानी होगी, और साथ ही तुम्हें तुम्हारे दो दोस्तों की रक्षा करनी होगी, और साथ ही तुम्हें तुम्हारे सब और दीपक के सब की रक्षा करनी होगी। अगर वो सब उसे मिल गए तो वो आने वाली अमाशा की रात को उससे भी शक्तिशाली बन जाएगी। वो सब अमाशा की रात तक उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। अब तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन काम करने होंगे। पहले तुम्हें तुम्हारे सब की रक्षा करनी होगी, दूसरा तुम्हें दीपक की सब की रक्षा करनी होगी, तीसरा तुम्हारे दोस्तों की रक्षा करनी होगी। जाओ तुम तुम्हारे काम पे लगो। Kenapa tak tidur lagi? Ha? अमावस्या की रात को हम उस जंगल के बाहर पूजा करेंगे। जाओ तुम सामग्री तैयारी करो।